ये लड़का जब भी मिलता है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। आज भी इसके वजह से मैं अपना उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ पाऊंगा। और जब तक मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तिमनासा, भारत नगर पहुंच गया हूं मैं। बालवीर से पहले उसका उत्तराधिकारी मेरे कब्जे में होगा। अब उत्तराधिकारी नहीं बचेगा। इरादों की बदबू सुन के मजा आ गया भैराजा। मार दो आज बालवीर को, मार दो। जहां बालवीर देखेगा वहीं मरेगा। मैं पृथ्वी पे गई थी, वहां मैंने सूंघा, मुझे बालवीर की सुगंध आई। ये तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा बालवीर। भैराजा, भैराजा, मार दो, मार दो। भैराजा जल्दी। बालवीर, बालवीर सुनो, पानी परी ने बुलबुलों वाला पानी दोबारा तैयार कर दिया था और ध्वनि परी उसमें ध्वनि मिलाने ही वाली थी कि शाम हो गई। अंधेरा होने ही वाला है बालवीर। तो इसका मतलब अब हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा और हम किसी भी समय चमक सकते हैं। हाँ। अरे मैं तो चमकने लगी, चमकते हुए मैं कितनी प्यारी लगती हूँ ना। हाँ ध्वनि परी, तुम चमकते हुए बहुत प्यारी लगती हो, पर इंसान नहीं परी लगती हो। बालवीर, हम वीर लोग चले क्या? मुझे पता है धरती पर इंसान नहीं ट्यूबलाइट चमकती है। ये तो परियों की सारी बारात आ गई है यहाँ पे। ओहो, अब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। औरतों से इतना डरते जो है, फिर चाहे वो परिया हो या तिमनासा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालोक वाले कहते हैं। परिया, परिया। बेवकूफ, डरता मैं किसी से भी नहीं हूँ। यहाँ पृथ्वी पे इनकी शक्तियाँ चलती हैं, हमारी नहीं। नहीं परियो, जब तक मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता, हम पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे। कल हम यहाँ रहने के लिए घर ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक हमें कहीं छुपना होगा। बालवीर को ऐसी जगह पे मारना होगा जहां वो बिल्कुल अकेला हो। निकल लो भैराजा, निकल लो भैराजा, पतली गली से निकल लो। आइए। नहीं सुनो, कब अकल आएगी तुझे? हाँ, अच्छा लगता है ऐसे बदमाशी करना? अच्छा नहीं लगता तो करता ही क्यों? मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगा वो जादूगर है, वरना मैं चिंटू चिंटी जैसी प्यारी बच्चों के पापा को कभी नहीं मारता।
अच्छा हाँ प्लीज छोड़ दो मम्मी। मैं कैंप से वापस आ गई। खुशी ए यही रुक खुशी। मेरा बच्चा कैसी है तू? जब मैं गई थी तब भी वहाँ डांट खाया था, आई हूँ तब भी। हाँ क्योंकि तेरा भाई जैसे तू छोड़कर गई थी ना अभी भी वैसा ही है, शरारती। तेरे कैंप की मुझे एक एक दिन की डिटेल जाननी है, ठीक है? पर पहले मैं तेरे भाई को जरा सीधा कर दूँ, उसके बाद मैं तुझसे बात करती हूँ। तू तब तक यहीं खड़े रहना, जाना नहीं कहीं, ठीक है? तेरी ही शिकायत लेकर आया होगा कोई, मुझे लगता है शिकायत पेटी लगानी पड़ेगी बाहर मुझे। चल आप विवान को अरेस्ट करने आए हैं? करुणा जी आई ही नहीं, रुकिए। माना मेरा विवान थोड़ा शरारती है पर मैं सुधार दूंगी उसे। आप प्लीज उसे जेल में मत डालिए प्लीज। क्या बोलते हैं तुम्हें करुणा जी, मैं विवान को जेल में डालने नहीं आया हूँ। दंदुमल हलवाई एक समोसा पे एक समोसा फ्री दे रहा है। आप समोसा देने आए हैं? समोसा नहीं नहीं वो दो अलग बात है, लेकिन क्या है ना अब उसने शरारत की है तो बदले में सोसाइटी की तरफ से मैं उसे एक काम देने आया हूँ। हाँ हाँ आप जो भी काम देंगे विवान करने को तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मैं तैयार हूँ। हाँ बोलिए गिरपड़े जी, क्या करना होगा इसे? हेलो नवरात्रि आ रही है ना तो सोसाइटी की तरफ से चंदा इकट्ठा करने का काम विवान करेगा। चंदा इकट्ठा करना मेरी पर्सनैलिटी को छूट नहीं करता। चाटा खाना करता है? नहीं पर बोलो नहीं सुनो, कल सुबह तू चंदा इकट्ठा करने जाएगा, मतलब जाएगा। मम्मी बस मुझे मार्केट जाना है, मैं आती हूँ। कल सुबह चंदा, ऑल द बेस्ट। मम्मी पर सुनो, तू तब तक यहीं खड़े रहना, जाना नहीं कहीं। नासा से बात करने के लिए हमें इस आग का इस्तेमाल करना होगा। आपको पता है धरती पे लोग इस काम के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं, अपना तो आग से ही काम हो जाता है। वाह बढ़िया है। कौन है वहां? कौन है? यहाँ पे चमकते हुए रहने में बहुत खतरा है, किसी ने देख लिया तो? मस्ती परी, इससे पहले हमें कोई देखेगा तो हम गायब हो जाएंगे ना, परी होने का यही तो फायदा है। बहुत देर से ऐसे बैठी हूँ, सर अब पैर सीधे कर लूं। ध्वनि परी कौन है? क्या हुआ ध्वनि परी? चौकीदार देख लिया है मुझे। क्या? मेरी तरफ आ रहा है, अब क्या करूं? क्या जरूरत थी खड़े हो? देखिए देखो अब जादू से गायब मत होना, मतलब बेहोश हो जाएगा वो। ये मुझे पता है लेकिन अब क्या करूं? मिला नया बालवीर? नहीं तिमनासा, लेकिन मुझे पुराना बालवीर दिखाई दिया था। मैं उसे मारने ही वाला था कि अचानक। जितना तुमसे कहा जाए सिर्फ उतना ही करो। मैंने तुम्हें वहां पर बालवीर को मारने के लिए नहीं, उसके उत्तराधिकारी को पकड़ने के लिए भेजा था।
अब जब तक वो दोनों ना मिले तब तक तुम कुछ नहीं करोगे, मुझसे पूछे भी ना। एक बार वो दोनों पकड़ में आ जाएं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है, और तब तक उन दोनों को मारने की कोशिश भी मत करना। इतनी बेइज्जती, ये तिमना सा चाहती नहीं कि आप बालवीर को मार के शूरवीर का तमगा पाओ। ये अपना काम निकलवाने के बाद आपको तरबूज में आए बीज की तरह थूक देगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, गालू वाले बोलेंगे। भरन, नन्ही उंगली की कसम, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये भैमार अगर दोनों बालवीर में से किसी एक को भी मार दे तो उसमें वो क्या है? समझ गया। जबदाली, अगर तुम्हें ये बात समझ आ जाती तो तुम आज काल लोक के राजा ना होते। ये बात भी सही है भैरानी। सही और गलत में फर्क समझना ही तो तिमनासा की सबसे बड़ी खूबी है। बालवीर को पृथ्वी पर मारना बहुत मुश्किल है, और अगर ये गलती भैमार ने की तो उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। वहीं उसके उत्तराधिकारी को मारना बहुत आसान है, लेकिन मुझे उसे मारना नहीं है। वो उत्तराधिकारी तो मुझे जिंदा चाहिए, क्योंकि उसकी असली कीमत तो सिर्फ मैं जानती हूं। वहां कौन है? अब लगता है मुझे ही जादू से कुछ करना होगा। हाँ, कुछ करो। नहीं 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 नहीं, नहीं रुको। कौन है वहाँ? एक काम करती हूँ, इनको यहाँ से गायब कर देती हूँ। अरे क्या चमक रहा है? क्या हुआ भाई? वहाँ आदमी के साइज की ट्यूबलाइट चमक रही है। अरे अरे, इंसान के साइज की ट्यूबलाइट सिर्फ सपने में हो सकती है, सच में नहीं। लेकिन मैंने देखा। अरे अरे, क्या देखा आपने? क्या देखा? देखिए, आपको नींद की जरूरत है भालवीर। देखिए, आपकी आंखें पूरी लाल हो गई है। अच्छा बताइए, क्या है वहाँ पर? क्या है, दिखाइए। मैंने देखा। दिखाइए दिखाइए। अरे यही तो थी, कहाँ गए ये लोग? मैंने देखा, मैंने अभी। क्या क्या देखा आपने? बताइए क्या देखा आपने उधर? वो ट्यूबलाइट। अरे देखिए, कुछ नहीं है वहां पर, आपको आराम करना चाहिए। आप जाकर सो जाइए थोड़ी देर के लिए, जाइए। सही कह रहे हो आप। अरे ये भी गायब हो गया, कहीं भूत तो नहीं देख लिया मैंने? भैया इधर ही रख दीजिए। थैंक यू। अरे क्या हुआ? सुनो, नहीं बोलो, बोल क्यों नहीं रही है कुछ? आपने ही तो कहा था पहले मैं तेरे भाई को सीधा कर दूं, तब तक तो चुपचाप यहीं खड़ी रहना, जाना नहीं कहीं। बेटा तू तो 2 घंटे से यहीं खड़ी हुई है, बैठी क्यों नहीं बेटा? आपकी कही बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? एक तू है जो मेरी हर कही बात जरूरत से ज्यादा मानती, और एक वो है विवान जो मेरी बात ही नहीं मानता। कभी कभी लगता है तुम दोनों को मिक्सी में मिक्स करके ऐसा बच्चा बनाओ जो आधा तेरी तरह हो और आधा विवान की तरह। तो बहुत सुनना पड़ेगा, अब तो ये रुई बचा सकती है दिमाग की भुर्जी बनने से। पहली बार तो हम उस बच्चे की वजह से असफल हो गए, इस बार नहीं बालवीर। इन बुलबुलों में मैंने वो ध्वनि मिला दी है, जैसे ही बच्चों के कान में पड़ेगी
वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे और बड़े अपने आप सो जाएंगे। अब हमें जल्द से जल्द मेरे उत्तराधिकारी को ढूंढना होगा। अरे तू अंकल जी नमस्ते। बदतमीज, चादर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरे यार, फटा हुआ अखबार। अरे ये सब क्या बोल रहे तू? अंकल जी ये सब भी मैं ही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। नवरात्रि का चंदा माता जी के नाम पे तो मैं अपनी जान तक निछावर कर दूं, लेकिन तुझ जैसे नौलायक लड़के को मैं एक ग्लास पानी भी ना दूं। चाहे जो भी हो जाए आज तो उत्तराधिकारी को ढूंढ कर ही रहूंगा। अब इन बुलबुलों से बच्चे खींचे चले आएंगे और बड़े सो जाएंगे। माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। नवरात्रि का चंदा, ये टेप की तरह एक ही बात बार बार क्यों बोल रहा है तू? ये देख पैसा, दिखा दिखा के जलाऊंगा भी और तुझे दूंगा भी नहीं। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। नवरात्रि का चंदा। जय माता दी सारे बोलो, जय माता दी प्यार से बोलो, दिल से बोलो, जय माता दी जय माता। अरे जल्दी जल्दी सामान उतारो नीचे, रात को आरती है, असली हीरो तो जितेंद्र है। जय माता दी, जल्दी जल्दी करो। जय माता दी जय माता दी। अरे चिंटू चिंडी हाय। इनके पापा की बिटाई की इसलिए शायद बात नहीं कर रहा है। जोर से बोलो जय माता दी, मन पसंद बोला जय माता दी। अंकल बालवीर, इन बुलबुलों ने अपना काम कर दिया। देखो सारे बच्चे हमारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। इस बार बस मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल जाए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। पहले चिंटू चिंडी और अब ये बच्चे सब जा कहाँ रहे हैं? अरे ये लोग भी, वो कह रहा है। गोपू सुतली, खुशी कहाँ जा रहे हो? अरे गोपू सुतली, खुशी कहाँ जा रहे हो? इन्हें क्या हुआ? सचिन, सचिन, अरे इतने सारे लोग मुझसे एक साथ तो नाराज नहीं हो सकते। या तो मैं गायब हो गया हूँ या तो कुछ और ही बड़ी गड़बड़ है। Thank you.
सब बच्चे यहाँ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? कोई पार्टी वार्टी है क्या? अब मिलेगा मेरा उत्तराधिकारी। बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा है ये। अब ये नहीं बचेगा। ये तो कल भी ऐसे ही जार के साथ खड़ा था जब मैं इससे टकराया था। मुझे तो लगता है यही च्यवनप्राश फैला रहा है जादू भारत नगर में। लेकिन बुलबुलों से ऐसा जादू? ये तो सलमान भाई के भी सिलेबस से बाहर है। किसी बड़े की हेल्प लेनी पड़ेगी। अंकल, 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 अखबार पढ़ते पढ़ते सो गए। अंकल, अंकल, ये तो स्कूटर पे बैठे बैठे सो गए। सब बड़े सो गए, सब बच्चे गार्डन की तरफ जा रहे हैं। ये बात तो ना दिल में आ रही है ना समझ में। जोर से बोलो जय माता दी। मन पसंद बोला जय माता दी। जो रात बोला जय। किरपड़े अंकल तो जाग रहे। अरे सारे बोलो जय माता दी। अरे जो रात बोला जय माता दी। सगड़े बोला जय माता। अंकल, अंकल आपको पता भी है इस कॉलोनी में क्या हो रहा है? धो रहा है? कौन किसको धो रहा है? अरे मुझे घर जाते वक्त 1 किलो तोरी लेनी है। क्या तोरी लेनी है आपको? तोरी लेनी है तो मैं क्या करूँ? वैसे जब मैं चंदा लेने गया था गंदा कर दिया। अरे तू हर काम गंदा करता है। चंदा का क्या हुआ? चंदा का क्या हुआ? चंदा मिला कि नहीं? चंदा? अरे वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश। अंकल वैसे विवान, जिंदगी में पहली बार तूने कोई ढंग का काम किया है। शाबाश शाबाश। अरे चंदा चंदा शाबाश शाबाश। अरे एक है ऐसे के झोपड़े। ए झोपड़े वाले की क्या? ए अरे मुझे स्त्री वाले से कपड़े लेने। ओ भाऊ, अरे उठा भाऊ। अरे सो के रहे हो? सामान तो उतरेगा। ओ भाऊ, अरे भाऊ उठा ना। ये सब तो सो गए। सब मुझे और गिर पड़े अंकल को क्यों कोई फर्क नहीं पड़ रहा? इसका मतलब हम दोनों इसलिए बच गए क्योंकि अंकल के कान में ईयरफोन्स है और मेरे कान में हुई। ये अंकल भी नींद में नहीं है। मैं अभी जाके इनसे मदद मांगता हूँ। अंकल अंकल, मुझे आपकी हेल्प चाहिए प्लीज। एक गेंडे नीचे उतर मुझे। अंकल चलो ना प्लीज, इस मोहल्ले में एक लड़का वो गड़बड़ी फैला रहा है। ये तो वही लड़का है। जी मैं तो आ रहा है यही कचुम्बर बना दूं उसका। अंकल ऐसे घूर के रहे हो, पहले कभी हैंडसम लड़का नहीं दिखा क्या? नहीं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो ना अंकल, वहाँ एक लड़का है वो जादुई म्यूजिकल बुलबुले छोड़ रहा है जिसे सुनकर सारे बच्चे उसकी तरफ गार्डन में खींचे चले जा रहे हैं और सारे बड़े सोए जा रहे हैं। जादुई बुलबुले? ये पक्का बालवीर ही होगा। देखा कितनी प्यारी ध्वनि मिलाई है मैंने बुलबुलों में। हाँ ध्वनि पूरी,
अगर तुम परी ना होती ना तो पक्का धरती पे संगीत निर्देशक होती। इनमें से कौन होगा मेरा उत्तराधिकारी, कैसे पता लगा? निशान वाला लड़का नहीं मिल रहा तो तुमने अपना निशान ही उड़ा दिया। इतनी जल्दी हार नहीं मानते? हार नहीं मान रहा हूं मस्ती परी। अब ये निशान खुद मेरा उत्तराधिकारी ढूंढेगा। अभी चलो ना। चलो 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 चलो। वैसे तो उस लड़के के लिए मैं अकेला ही काफी था। मसल देखी है मेरी, उधर ही मसल के रख देता। पर क्या है ना, वहाँ कुछ लेडीज लोग भी थी और सलमान भाई कहता है कि लड़कियों पे वार नहीं करना चाहिए, बस प्यार करना चाहिए। पर आप रुक क्या गए? चलो। लड़कियाँ? हाँ, कुछ 5-6 लेडीज थे, वो सब छोड़ो अभी चलो। मतलब परियां भी साथ में ही हैं। अभी जाना खतरनाक हो सकता है। नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं भी नहीं जा सकता, मैं चलता। अरे अंकल अंकल अंकल, रुको रुको रुको, लड़कियों का नाम सुनते ही काम याद आ गया आपको? लड़कियों से डरते हो क्या? हाँ, कितना बदतमीज बच्चा है। इतने हट्टे कट्टे हो कि लड़कियों से डरते हो? ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। पिछली बार भी इसी लड़के की वजह से बालवीर को पकड़ नहीं पाया था। ये लड़का बार बार मेरे और बालवीर के बीच में क्यों आ जाता है? अरे ये तारा तो और आगे चला गया। बच्चों में से भी कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं है। ज्वाला परी, पानी परी, वायु परी, आप तीनों यहीं रुककर बच्चों पर नजर रखिए। तब तक मैं मस्ती परी और ध्वनि परी जाकर उस तारे का पीछा करते हैं। हाँ। चलिए। देखो अंकल, वो तो आप इतने मजबूत आदमी, तभी तो आपको बुलबुले का म्यूजिक से कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं तो अब तक तो आप कब का सो गए होते। लड़कियों से क्या डरना? वो बात नहीं है, मुझे कहीं और जाना है अभी काम से। देखो अंकल, मैं भी सलमान भाई की तरफ से एक ही बार रिक्वेस्ट करता हूँ और फुल एंड फाइनल उसी चीज पे अट जाता हूँ कि भारत नगर के बच्चों का सवाल है, उस जादूगर से तो आपको भिड़ना ही होगा। ये निशान तो इन बच्चों पे भी नहीं रुका। इन बच्चों में से भी कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं। आखिर मेरा उत्तराधिकारी है कहाँ? हट जा मेरे रास्ते से। एक बार जो मैंने रास्ते पे हटने की कमिटमेंट कर दी ना, फिर मैं अपने आप की भी सुन के नहीं हटता। बहुत हुआ तेरा। वाह विमान, क्या कैच पकड़ा है यार, क्या छुपा हुआ टैलेंट है। पर फिर भी लोग फालतू में बालवीर बालवीर चिल्लाते रहते, अपने टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है। अजीब लोग आ गए भारत नगर में, एक म्यूजिकल बुलबुले उड़ा रहा है, कोई धक्का देके मुझे उड़ा रहा है। अंकल मुझे ऊपर क्यों फेंक दिया? अरे नीचे तो उतारो। तू वहीं ठीक।
उसके हाथ पर कुछ ऐसा निशान होगा। यह जरूर बालवीर का छोड़ा हुआ तारा है। यह तारा तो अगले उत्तराधिकारी पे ही जाके रुकेगा। अरे उठा ना भाऊ, सोते गए? अरे सब लोग सो क्यों रहे हैं? यह आदमी कैसे जगा हुआ है? इस पर ध्वनि का असर क्यों नहीं हुआ? तो गायब हो गया, अब कैसे पता चलेगा उत्तराधिकारी का? बच्चा बनेगा बालवीर, ये बचाएगा दुनिया को। अरे इसको मुझसे कौन बचाएगा? हमें जल्द से जल्द बाकी परियों को सावधान करना होगा। हाँ चलो जल्दी। ओ काका उठा। गिर पड़े अंकल। ये परियां ना होती तो इसे अब भी खत्म कर देता। प्लीज मुझे नीचे उतारो ना। एक अरे अंकल हेडफोन मत निकालना वरना आप भी सो जाओगे। हैं नीचे नीचे मुझे उतारिए नीचे। अरे नाक पट लो रे। अरे तू वर्ती क्या करतो है? दही हंडी तो कभी के खत्म हो गई। जाओ दे चल खा लिए। मैं कैच कर दो, मुझ पे काली शर्ट बहुत जचती है। पक्का अंकल कैच कर लोगे ना? हाँ घबरा ना। अरे बचपन में मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ और कैचिंग में तो एक नंबर था। लेकिन इतनी बड़ी बॉल कभी पकड़ी नहीं है, लेकिन ट्राई करता हूँ। ट्राई करने में क्या है, प्रयत्नार्थी परमेश्वर। ये खा लिए, मैं पकड़ तो तुला। ये अंकल छोड़ना मत प्लीज। ये घबरा ना, गिर पड़े आए ना, तुला पड़ून नहीं देना। हमें इस बुलबुले का जादू खत्म करना होगा। मस्ती परी, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ ध्वनि परी, मुझे भी यही लग रहा है। कितने दिन तक बचाएंगी ये परियां इसे? बहुत कम सांसें बची हैं तेरी। थैंक यू अंकल। वेलकम वेलकम। कानून के हाथ लंबे होते हैं ये तो पता था, लेकिन इतने मजबूत होते हैं ये आज पता चला। क्या झकास कैच पकड़ा ना मैंने, नहीं भारी गिपड़े। शाबाश शाबाश।
क्या हुआ? तुम लोग, तुम लल्लू पार्टी, झूले। अरे क्या करता है अंकल? कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है भारत अगर में। एक अजीब से आदमी ने मुझे ऐसे धक्का दिया कि मैं उड़ता हूँ सीधा ऊपर, उधर रेलिंग के जाके लटक गया। क्या बोलते हो? हाँ। कौन है वो आदमी? यही कहीं खड़ा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। क्या भरा जा आप भी, मुझे ये गले का पट्टा बांधने में थोड़ी देर क्या हो गई? आप तो मुझे अकेला छोड़ के निकल लिए। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। मुझे पता है आप क्या सोच रहे, आपको अपनी नाकामी की खबर तिम्नासा को देने के लिए आपकी जरूरत है। रुकिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं आग निकालने वाला यंत्र ही लेके आया आपके लिए, लीजिए। अंकल, इस मोहल्ले में एक लड़का है, वो जादू कर रहा है। आपने देखा ना, सारे बच्चे कैसे गार्डन की तरफ जा रहे थे और सारे बड़े सो गए थे। देख ना, मैं भी वही सोच रहा हूँ, सब लोग एक साथ क्यों सो रहे हैं? अरे बटाटे 22 रुपए किलो चले। जादू की वजह से अंकल। जादू की वजह से बटाटे 22 रुपए किलो कैसे होंगे? मैंने खुद देखा है, वो लड़का कुछ जादुई म्यूजिक वाले बुलबुले छोड़ रहा है, जिसे सुनकर ये सब हो रहा है। अच्छा, मुझे जादू कानून से डर गया, इसलिए मैं बच गया। बरेजला वासलो। लेकिन तू तो कानून नहीं है। क्योंकि मेरे कान में रुई थी और आपके कान में ईयरफोन। और इसलिए हम लोगों ने वो म्यूजिक नहीं सुना और हम बच गए। कौन है रे वो जो केरपेटे के एरिया में जादू कर रहा है? हा? अरे दूधी की सब्जी देश में बैन करनी चाहिए। दूधी? नहीं नहीं, मतलब चलो ढूंढते उसे। जो सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस रहे होंगे, मैंने बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढ लिया। शाबाश भैमार, शाबाश। क्या खबर सुनाई है तुमने। मैं कहती थी ना तुमसे भैमार, कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते, और आज तो तुम मुझे और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। इतनी अच्छी खबर जो सुनाई है। अब इससे पहले कि तुम कोई बेवकूफी करो, मैं धरती पर आ रही हूं, कोई मूर्खता मत करना। चल रहे हैं मेरे मोहल्ले मोहल्ले में? तू वही है ना उस दिन जो लड़ाई मारपीट करके भागा था? आज क्या जादूगिरी फैला रहा है? मैं आलू के पराठे बिना मक्खन के नहीं खाता। मैंने कब आपका मक्खन चुराया? नहीं नहीं, ओ हेलो, ये तो अलग बात है। ये आलू के पराठे बिना मक्खन के नहीं खाते, लेकिन तुम इस मोहल्ले में जादू कर रहे हो, मैंने खुद देखा है। अपने इस जादुई बुलबुलों से बच्चों पर जादू कर और बड़ों पर भी।
ये लड़का मेरी कुंडली में मुसीबत बन के आया है। शाबाशी देके बेवकूफ कौन बोलता है? ये बहरानी समझती है क्या अपने आप को? अरे आपको बेवकूफी करने से मना कर दिया मतलब आपको कुछ भी करने से मना कर दिया। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, टिन्ना सा सोचती है आपके बारे में। अब जब तक वो यहाँ नीचे नहीं आएगी आप क्या करेंगे? यहाँ भंगार बेचेंगे फिर से? मैं वही करूंगा तौबा तौबा जो मुझे करना चाहिए। मैं काल लोक का सेवक हूँ, तुम नासा का नहीं। मैं वही करूंगा जो काल लोक के लिए ठीक होगा। बराबर। मैं तुम नासा के यहाँ आने से पहले बालवीर के उत्तराधिकारी को मार दूंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.